इसराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इस बीच इसराइल ने दावा किया है कि उसे गजा में अलशिफा अस्पताल के नीचे सुरंग मिली है, जिसका इस्तेमाल हमास ने अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हुए आसानी से बच निकलने के लिए किया है। चलिए अब आपको खुद इसराइल के बयान सुनाते हैं और बीच बीच में वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिनको इसराइल ने सामने रखा है। अब हम अल शिफा की कतरी बिल्डिंग के ठीक नीचे सुरंग में हैं, जिसे आपने बाहर देखा था। यहाँ ऐसे कमरे हैं जो यहाँ रहने में हमास के काम आए हैं। उन्होंने अस्पताल को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि उनको लगा कि हम यहाँ उन पर हमला नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि एक और रास्ता है जो उन्होंने तैयार किया है, वो अभी तक खुला नहीं है। हमें यकीन है कि यहाँ से शहर के लिए रास्ते हैं। हमें और रास्ता मिला जो अस्पताल से उत्तर की ओर जाता है, ताकि वे हमला करने या कुछ और करने के बाद शहर में सुरंग के जरिए जा सकें, यहाँ तक कि किंडरगार्टन के अंदर भी जा सकें, जिसे हमने खोजा है। वो यही सब करके जिंदा रहे। अस्पताल से हमें एक बंधक के बारे में पता चला। हमें वो अस्पताल के बाहर मिली और हम जानते हैं कि वो अस्पताल के अंदर थीं और वे उनको बाहर एक छोटे से चिकित्सा केंद्र में ले गए थे। अब आप यहाँ मेरे आसपास जो भी देख रहे हैं वो केवल पिछले दो दिनों से है। ये सब कुछ नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था कि हम हर समय जो कुछ भी पाते हैं उसे रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार के विस्फोटकों को हमें यहाँ से हटाना होता है। इसलिए ये पिछले 48 घंटों से है। ये सामान जो यहाँ है अस्पताल के अंदर से मिला है, अलग अलग विभागों से, कुछ सामान यहाँ मौजूद कारों से भी मिला है।
उन्होंने सुरंग बनाई, सुरंगों से अस्पताल के बाहर की सप्लाई का इंतजाम किया। अस्पताल के बाहर घर या फिर मस्जिद हैं। ऐसे में सुरंग मस्जिद में आती है और वापस अस्पताल तक जाती है, स्कूल तक आती है और अस्पताल में वापस जाती है। यही सिस्टम है। युद्ध का लक्ष्य हमास को हराना है, हमारे बंधकों को आजाद कराना है। अब एक समझौता भी सामने है, अगर ये अमल में रहा तो हम गोलीबारी रोक देंगे, मगर हम अपनी पोजीशन में ही रहेंगे। हम आगे के लिए तैयार रहेंगे, हम अपने बंधकों को आजाद कराएंगे। हमारे बंधकों के प्रति हमारा नैतिक दायित्व है, हम उन्हें वापस लाएंगे, हम हमास से लड़ेंगे और हमास को हरा देंगे। हम सबूतों को प्लांट नहीं करते हैं, इसराइल ऐसा नहीं करता है। ये एक युद्ध अपराध होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। हम सभी कानूनों के मुताबिक ही काम करते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो हम उनको स्वीकारते हैं। हमने अस्पतालों में खुद सबूतों को नहीं रखा है।